Anju, I'm coming for you. Hi, this is Reshmi and today we will talk about Bhool Bhulaiyaa 3. तो कैसी लगी Bhool Bhulaiyaa 3? तो पहली बात मैं ये बता देती हूँ कि Bhool Bhulaiyaa जो OG वाला, original वाला जो फिल्म है, मुझे नहीं लगता कि वो फिल्म को कोई भी फिल्म उसके बाद उसके तरह बना रीमेक बीट कर सकता है. हालांकि मुझे Bhool Bhulaiyaa 2 भी अच्छा लगा था. इट वॉज ओके एंड इट वॉज गुड एंटरटेनिंग. बट फिर भी मतलब द अक्षय कुमार वाला दैट ओजी मंजुलिका एंड ओजी अक्षय कुमार वाला Bhool Bhulaiyaa आई डोंट थिंक कोई भी बीट कर सकता इवन टुडे लाइक Bhool Bhulaiyaa 3. बट हाँ, कुछ पॉजिटिव्स एंड कुछ नेगेटिव थिंग्स मुझे लगी जो आई विल शेयर विथ यू गाइज. तो पहले मैं बता देती हूँ कि इसका जब ट्रेलर या फिर टीजर निकला था, आई वॉज नॉट सो वेरी कन्विंस्ड या फिर वेरी एक्साइटेड. मुझे नहीं लगा था, स्पेशली जब ट्रेलर निकला तब इतने सारे कैरेक्टर्स, माधुरी दीक्षित को भी लेके आए, फिर दोनों कैरेक्टर में थोड़ा कन्फ्यूशन वगैरह वगैरह, मुझे थोड़ा ओवर द टॉप लगा, थोड़ा फुल ऑफ ओवर एक्टिंग एंड ऑल दैट. होता है ना कभी कभी कि बहुत मसाले डाल देते तो खराब हो जाता है ना, तो वैसा मुझे लगा. और मुझे उसका बहुत मतलब वो भी था, टेंशन भी था कि कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करके, समय इन्वेस्ट करके हम देखने वाले हैं और फिर कुछ ऐसा निकला. बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, थैंकफुली इट वॉज अ गुड एंटरटेन. पहली बात तो मतलब इट्स अ वेरी गुड ब्लेंडिंग ऑफ रोम कॉम एंड हॉरर कॉमेडी. यस, रोमांटिक सीन्स भी है जैसे कि आपको सब पता है, तृप्ति डिमरी है, और अभी तृप्ति डिमरी हर कोई फिल्म में हमें नजर में आ रही है, बट दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. बट तृप्ति डिमरी एंड कार्तिक आर्यन की जोड़ी बुरा नहीं लग रहा, अच्छा ही लग रहा है. उनके बीच का केमिस्ट्री वगैरह बिल्डअप हुआ है, कुछ खास भी नहीं लग रहा लेकिन बुरा भी नहीं लग रहा है. फिर उसके बाद बाकी सारे जितने सारे कॉमेडी के किंग है वो सब तो फैब्यूलस है ही, उसके बारे में मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत भी है. कार्तिक आर्यन डेफिनेटली ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम एंड डेफिनेटली रूह बाबा के कैरेक्टर जो डेवलप किया है ऑलरेडी Bhool Bhulaiyaa 2 से, वो मुझे काफी अच्छा लगा Bhool Bhulaiyaa 3 में भी. एंड डेफिनेटली लाइक नॉन अदर देन द मंजुलिका, लाइक विद्या बालन, शी इज लुकिंग स्टनिंग. इवन लाइक चेरी ऑन द टॉप लाइक माधुरी दीक्षित, शी इज ऑल्सो लुकिंग फैब्यूलस. एंड द डांस नंबर सब कुछ मिला के मुझे लाइक एंटरटेनमेंट में काफी अच्छा लगा. लेकिन जो हॉरर पोर्शन है ना, वो मुझे, इसके लिए मैंने बोला कि वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा Bhool Bhulaiyaa 1 जो पहला OG वाला है उसको कभी बीट कर सकता है. लेकिन दे ट्राइड वेल, मैं कहूंगी पहले से मतलब एकदम फास्ट वाला सीन से ही आप लोगों को यू नो लाइक हुक कर लेंगे कि हाँ, मतलब एक कंटिन्यूअस एक वो एक टेंशन वाली माहौल क्रिएट होती है, हॉरर वाली माहौल क्रिएट होती है. एवं अल्टीमेटली क्लाइमैक्स वाला सीन में जो लाइक ट्विस्ट उन्होंने दिया है, या फिर क्लाइमैक्स को जैसे यू नो लाइक पिक्चराइज किया है, वो मुझे काफी अच्छा लगा, वो मुझे काफी एंटरटेनिंग लगा और काफी यू नो इंटेलिजेंट लाइक डिरेक्शन लगा. तो ऑल ओवर इट्स अ गुड एंटरटेनिंग मूवी, मैं इतना कह सकती हूँ कि ये एटलीस्ट इतना हो कि देखने लायक तो डेफिनेटली है. यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, गो एंड वॉच एट योर नियरेस्ट थिएटर एंड एंजॉय दिवाली. थैंक यू, टाटा.